दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्रेस्ड गेम्स के बारे में। आपने इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे ऐसे लिंक्स देखे होंगे, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स देखी होंगी जो कि इस चीज का क्लेम करती हैं कि वो 100 GB की, 50 GB की, 10 GB की या फिर 150 GB की गेम को हमें 10 MB में, 50 MB में या फिर 1 MB में हमें वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन वेबसाइट्स के बारे में कि क्या वाकई में ऐसा कुछ होता है, क्या वाकई में हमें कोई 100 GB की गेम 1 MB में मिल सकती है। और आज इस वीडियो में बात करेंगे कंप्रेशन के बारे में कि आखिरकार जो कंप्रेशन होती है कि 100 GB को 1 MB में कन्वर्ट करना वो किस हद तक पॉसिबल होता है। आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स गो। सो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना, आपकी मर्जी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्रेशन के बारे में कि कंप्रेशन कैसे काम करती है। सो देखिए, कोई भी गेम होती है तो उसमें कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक सीक्वेंस है ABCD, फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो अब ABCD एक सीक्वेंस बनता है। अब वो सीक्वेंस एक गेम में 1000 बार अप्लाई हो रहा है, राइट। एक ABCD वो गेम में 1000 जगह पर लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो अब यहां पर क्या होता है कि कंप्रेशन कैसे काम करती है, वो जो ABCD उसकी पावर 1000 कर देती है, उसकी पावर 1000 कर देती है। अगर आपने अलजेब्रा के बारे में अगर आपने कभी पढ़ा है अलजेब्रा से के स्कूल में, तो वहां पर भी ऐसे होता है, ठीक है। एक्स उसकी पावर 2, एक्स की पावर 3, यानी कि एक्स जो है वो वहां पर 3 बार है, जैसा कि अलजेब्रा में होता है। वैसा ही कंप्रेशन में होता है कि ABCD अगर वो 1000 बार एक गेम में आ रही है तो उसकी पावर 1000 कर दी जाती है, जबकि हम उसका जो साइज होता है वो कंप्रेस कर रहे होते हैं, राइट। लेकिन अगर हम बात करें किसी 100 GB की गेम के बारे में, तो वहां पर अगर हमें कोई ये चीज कहे कि भाई 100 GB की जो गेम है वो हमें 1 MB में मिल रही है, तो इतनी कंप्रेशन नहीं हो सकती। हाँ, अगर कोई 100 GB की एक फाइल है जिसमें कि सिर्फ ABCD को ही इतनी बार लिखा गया है कि उसका साइज 100 GB हो गया, तब हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तब वो 1 MB में हो सकती है। लेकिन कोई गेम 100 GB की 1 MB में, 100 MB में या फिर 500 MB में कन्वर्ट होना, ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं जो कि बार बार रिपीट हो रही होती हैं। लेकिन उसके अलावा एक गेम में मैप्स होते हैं, उनके करेक्टर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें कि सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रही होती। और वो जो मैप्स होते हैं, वो जो करेक्टर्स होते हैं, वो कोई 1 MB में नहीं होते, उनका साइज भी GB में होता है, राइट। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि कोई 100 GB की गेम या कोई 50 GB की या कोई 10 GB की गेम भी हमें 1 MB में नहीं मिल सकती। अब ये वेबसाइट्स ऐसा करते क्यों, हम इसके बारे में बात करते हैं कि क्यों वेबसाइट्स के ऊपर ये चीज होती है कि वो हमें कोई भी 100 GB की गेम 2 MB में या फिर 1 MB में, 100 MB में हमें वो प्रोवाइड करवा देंगे। अब यहां पर क्या होता है कि हमें गेम तो नहीं मिलती, लेकिन उस गेम को डाउनलोड करने से पहले बहुत सारे पेजेस खुलते रहते हैं, पॉपअप्स खुलते रहते हैं। अब वहां पर होता है क्या कि बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर हमें सर्वेज में फंसा लिया जाता है। अब सर्वे में क्या होता है कि हमसे हमारी डिटेल्स पूछी जाती है, और वहां पर एडवर्टाइजमेंट भी होती है, जिस एडवर्टाइजमेंट का उस सर्वे वाली कंपनी को, उस वेबसाइट को पैसा मिलता है, एडवर्टाइजमेंट दिखाने का उन्हें पैसा मिलता है। हम उन सर्वेज को क्लियर पास आउट करते जा रहे होते हैं, लेकिन गेम डाउनलोड नहीं होती। और अगर बाई चांस अगर आपको कोई RAR या फिर आपको कोई zip फाइल डाउनलोड हो भी जाती है 2 MB की, 5 MB की, 10 MB की, 100 MB की, तो उसको क्या किया जाता है कि उसको ये लोग लॉक लगा देते हैं, लॉक यानी कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड उसे कर देते हैं। अब वहां पर क्या होता है कि जैसे ही हम उस फोल्डर को खोलते हैं तो वहां पर एक RAR फाइल होती है, उसके साथ ही एक फाइल और होती है जो कि टेक्स्ट फाइल होती है, उसका नाम होता है पासवर्ड, राइट। तो ऐसा उसके बाद क्या होता है कि जब हम उसके पासवर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं, मतलब कि उस फाइल को खोलते हैं जो टेक्स्ट फाइल होती है, तो वहां पर हमें एक वेबसाइट का लिंक दिया जाता है कि आप उस वेबसाइट के ऊपर जाओ और आपको वहां से पासवर्ड जो है वो मिल जाएगा, उससे आप जो RAR फाइल है उसे खोल सकते हो। अब जैसे ही आप उस वेबसाइट के ऊपर जाते हो, वहां पर फिर से आपको किसी ना किसी सर्वे में फंसा लिया जाता है, और ले देकर क्या होता है कि भाई आपका जो गेम है वो डाउनलोड नहीं होती है। अगर आपको कोई ऐसी RAR फाइल मिल भी जाती है जिसमें कि जो कि ओपन हो रही है, उसे पासवर्ड नहीं लगा होता, ये भी होता है कि उन जो फाइल्स होती हैं उनमें वायरसेस, स्पाइवेयर्स, वॉर्म्स, ट्रोजन, ये सब चीज़ें होती हैं। ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर वायरसेस ही होते हैं, ये सब आपके कंप्यूटर को हार्म करने के लिए ही बनाई जाती हैं। कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं है जो कि आपको कोई भी 100 GB की गेम आपको 2 MB में, 10 MB में, 100 MB में प्रोवाइड करवा सकते हैं। हालांकि ये चीज़ जो है ये टोटली इलीगल है, गैर कानूनी है। आप किसी की भी, मतलब चाहे कोई गेम है, राइट, किसी ने कोई गेम बनाई, उन्होंने करोड़ों रुपया खर्च करके उस गेम को बनाया है,
तो कोई भी वेबसाइट उसे फ्रीली किसी को भी प्रोवाइड नहीं करवा सकती, चाहे वो कंप्रेस्ड हो, चाहे वो रियल टीम हो, मतलब चाहे वो रियल गेम हो, चाहे वो कंप्रेस वाला उसका जो, चाहे वो कंप्रेस गेम हो, कोई भी वेबसाइट उसे फ्री में किसी को भी नहीं दे सकती। ये चीज़ इलीगल है, गैर कानूनी है, सिर्फ इंडिया में नहीं सारे देशों में ये चीज़ जो है वो गैर कानूनी। तो कभी भी ऐसी किसी फाइल को डाउनलोड करने की कोशिश मत कीजिए। हालांकि गेम तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन उसके अलावा आपके कंप्यूटर में जो वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन, स्पाईवेयर आएंगे वो अलग की बात है। हालांकि कुछ ऐसे ट्रोजन्स भी होते हैं, कुछ ऐसे मालवेयर्स होते हैं जिनको कि हमारा एंटीवायरस भी पकड़ नहीं पाता है। तो ऐसी गेम्स को डाउनलोड करने की गलती मत करें, गेम्स नहीं होती है, वो कुछ और ही होता है। सो दोस्तों, ये था पूरा कॉन्सेप्ट कंप्रेशन का, उन 100 GB वाली गेम्स को 1 MB में डाउनलोड करने का। आपका इसके बारे में क्या सोचना है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।